नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः ऋणमियुण वड्यमानम् परमपादम् जिनमति सुदेण वोच्छामि रयण सारम् सायारणयार धम्मीणम् नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो इरियाणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव साहूलम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादी देवी कजराट श्री महावीर भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमलों कोटि मां मुनराजों की, बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनीषियों हम सभी के कल्याण का साधन है। यह जीव भले ही अशुभ काल में जन्म को प्राप्त हुआ है, लेकिन अशुभ भावों के साथ रहे यह कोई आवश्यकता या जरूरी नहीं है। ध्यान से समझना, यह जीव अशुभ काल में जन्म को प्राप्त हुआ है। कौन सा काल है? पंचम काल। दुखमा काल है। उसमें भी हुंड अवसर्पणी काल में हुआ है, मतलब नीम उसमें भी करेला चढ़ा है। फिर भी काल अशुभ है, लेकिन इस अशुभ काल में भी आप भाव शुभ रख सकते हो। कुंद कुंद स्वामी अगली तीन गाथाओं में यही कहना चाहते हैं। भैया पिछली गाथाओं में कहा था कि धर्म ध्यान की ओर भी प्रवृत्ति ले जा सकते हो और कृष्ण नील कापोत लेशा में भी आयुष व्यक्ति प्रवृत्ति ले जा सकता है। ये उसके ऊपर है, चालक के ऊपर है कि वाहन कहाँ लेके जाना है। चालक के ऊपर है कि कहाँ लेके जाना है, रोड के नीचे की रोड के। आप सब चालक हो, चालाक हो। आप सब चालक हो, चालाक हो। अब ये सोचना है कि हमको कहां से लेके जाना है गाड़ी। ये अपनी आत्मा की गाड़ी कहां से लेके जाना है, शुभ भावों से कि अशुभ भावों से। कुंद कुंद स्वामी ने स्वयं कहा, काल तो पंचम है लेकिन धम्म जानम प्रमाद रहित होती, प्रमाद रहित धर्म ध्यान आज भी होता है, यानी कि सातवां गुणस्थान अप्रमित सागर जी आज भी होता है। साति से अप्रमत्त, निरति से अप्रमत्त, जो निरति से अप्रमत्त का जो पायदान है सातवें गुणस्थान का, वो पंचम काल में भी है।
अगर पंचम काल में सातवां गुण स्थान नहीं मानोगे तो छठवा भी नहीं बनेगा, पांचवा तक ही बनेगा, मुनियों का अभाव मानना पड़ेगा। आया समझ में? छठवें गुण स्थान का समय अंतर मुहूर्त का है, अंतर मुहूर्त के बाद सातवां नहीं तो पांचवा। इसलिए मां प्रमाद रहित परिणाम आज भी है, लेकिन जो असक्षम होता है वही पर को असक्षम मानता है। माना कि आप में शक्ति नहीं है तो दूसरे को भी शक्तिविहीन मत कहो, दूसरे को शक्तिविहीन नहीं कहो। ऋषि हमको उठा लोगे क्या? बोलो, हमको उठा सकते क्या? पारस भी उठा सकते कि नहीं? देखो पारस भैया, सत्य कि नहीं? कल प्रैक्टिकल हम लोगों ने किया दोपहर में, तो हमने कहा भैया मजबूत चीज क्या है, तो दो ही लोग मजबूत दिखे, एक हम और एक पारस भैया और तीसरा राकेश। तो हमने कहा एक काम करो, अपन लोग इस तख्त पर उचकते हैं, तो पारस भैया को हमने उसमें उचकवाया भैया, सो टूटा नहीं, मतलब मजबूत है। फिर हम बैठे, उठाया, कुछ हुआ नहीं, उसके बाद भी अपन ने उसमें मजबूती दी है। ऋषि कह रहा है कि किसी भी कीमत पे पारस भैया को कोई नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि हम नहीं उठा सकते। भाई तुम असक्षम हो तो तुम पर को असक्षम मत कहो, तुम महाव्रत लेने में असक्षम हो तो ये मत बोलो कि महाव्रती नहीं होते। आप व्रत लेने में असक्षम हो तो पर को असक्षम मत कहो। जम सकई तम की रही, जम चा न सकई तहेव सद्यनम, सद्य मानो जीवो पावई अय रामणम ठाणम। जितनी शक्ति हो उतना करो। ऋषि दस उपास कर सकते क्या? है तुम नहीं कर सकते कि कोई नहीं कर सकता? है संभव भैया ने तो किए हैं, बिनी भैया ने तो किए हैं, और किसी ने किए जो यहां पर है अभी? दस दस उपास किए ना आप लोगों ने, कैसे कर लिए? ये तो कह रहा कि नहीं कर पाएंगे, वो ये कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता हूं। बेटा सम्यक दृष्टि अपने आप को असक्षम मानता है, मान कसाय में आकर दूसरे को दोष नहीं लगाता, दूसरे को दोष नहीं लगाता। क्यों? धन्य है आराध सागर महाराज जी, यहीं से अपन परोक्ष से ही नमस्कार कर ले रहे। पारस भैया 556 दिनों में 496 उपवास, 450 हो गए हैं, 40 बचे हैं। अब जिससे एक उपास भी नहीं बनता है, जिसको दिन भर खाने के लिए चाहिए बाहर, चटोरी जीव है, वो क्या बोल रहा है? हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते, इनने तो कमरे में बैठ के कुछ ना कुछ लिया होगा। मां आप असक्षम हो पर को आप असक्षम मत कहो, पर को असक्षम मत कहो, आप अपनी शक्ति देखो। धर्म ध्यान का वर्तमान में कोई निषेध नहीं है, आप अपनी शक्ति देखो। शंका नहीं कहो, शंका जिनवाणी पर नहीं करो, जिनवाणी पर श्रद्धा करो। एक बच्चों के लिए कथा आती है पंचतंत्र की कथा, सुनी कभी? उसमें क्या होता है, एक मेंढक कुएं पर अंदर रहता है, कुएं के अंदर एक राजहंस पक्षी आता है। बिनी वो राजहंस पक्षी उस कुएं की मेड़ पर जाकर के बैठ जाता है। दोनों की वार्ता प्रारंभ होती है, मेंढक पूछता है जो अज्ञानी होता है वो व्यर्थ के प्रश्न करता है,
ज्ञानी शांति का जीवन जीता है। तो वो क्या बोलता है मेंढक, काय भैया कहां से आए, तुमसे कोई पूछ नहीं रहा तो तुम क्यों बोल रहे हो। फिर भी हंस समझदार था, कह रहा था मैं पूर्व दिशा से आया हूं और मानसरोवर की ओर जा रहा हूं। अच्छा अच्छा ये मानसरोवर क्या है, बोले बहुत बड़ा एक तालाब है। अच्छा कितना बड़ा है, बोले इतना बड़ा। मेंढक क्या कहता है, इतना बड़ा, बोले नहीं इससे बड़ा। फिर मेंढक ने हाथ पैर दोनों फैलाए, बोले इससे बड़ा, इतना बड़ा, बोले नहीं इससे बड़ा। फिर एक छोर से दूसरी ओर छलांग लगाई मेंढक ने कुएं में, कही इतना बड़ा, बोले नहीं इससे बड़ा। बोले सुनो, हाथ पसारा, पैर पसारा और पसारा गात्र यानी शरीर, मैंने हाथ फैला लिया, पैर फैला लिए, शरीर से भी नाप लिया। हाथ पसारा, पैर पसारा और पसारा गात्र, इससे बड़ा तालाब है कहन सुनन की बात। जी तो कहने सुनने की बात है, कुछ तोड़ना है, होता है कहते रहो। ये वही कहता है जिसने देखा नहीं है, जिसने चखा नहीं है। चखा नहीं हो वो वही कहेगा। सीताफल खाया आप लोगों ने सिवनी में, सीताफल सभी ने खाए ना, सीताफल है ना। अब सहज सागर जी कह रहे हैं सीताफल कड़वा होता है। सहज सागर जी खाया नहीं है तो बिना खाए कैसे बोल रहे हो, पहले आप सेवन कर लो फिर बोलना। प्रियांश कह रहा हमने डलिया भर के खाई, एक भी कड़वा नहीं था, आधी डलिया तो बीज गिन लिए। बोले एक मिनट, कहन सुनन की बात नहीं। धर्म ध्यान होता है, होता था, होता रहेगा, ये जिनवाणी का वाक्य। इस प्रकार से धर्म ध्यान का वर्तमान में कोई निषेध नहीं है। अब आगे गाथा नंबर 57 में कुंद कुंद स्वामी आपके लिए रास्ता बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। जैसे आप कहीं गाड़ी से जाओ तो वहां साइन बोर्ड लगे रहते हैं, छपारा के लिए अंदर मुड़े, सिवनी के लिए सीधे जाएं, मंडला के लिए यहां से जाएं। समझना, ये साइन बोर्ड होते हैं ना, ये साइन बोर्ड आपको लेके जाते हैं कि आपको जाना पड़ता है। चीनी भैया, ओ भैया चीनी भैया, साइन बोर्ड लेके जाता है कि आपको जाना पड़ता है। हाँ आपको जाना पड़ता है, बोर्ड लेके कहीं नहीं जाता। जिन वाणी बताती है, जिन वाणी जाती नहीं है। जिन वाणी आपको मार्ग बताती है, फिर आपको जैसा लगे वैसा करो। कितने लोग ईमानदारी से रात्रि भोजन करते हैं, त्याग नहीं है आजीवन, पूछ रहे हम पारस भैया त्याग है इस तरफ, त्याग नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं घबराओ। कितने लोग रात्रि भोजन करते हैं, अब ध्यान सुनना। अब आप रात्रि भोजन करते हो, अभक्ष आदि का सेवन करते हो, तो आपकी दुर्गति होगी कि नहीं, एक बार बोल तो बात खत्म, होगी कि नहीं। क्यों जस रात्रि भोजन कर रहे हो, अभक्ष खा रहे हो, जमीकंद खा रहे हो, पाप का आश्रय होगा कि नहीं, होगा ना। बस इतना निर्णय कर लो, जिन वाणी कह रही अब तुम्हें जो लगे सो करो। मैंने बता दिया हम तो साइन बोर्ड हैं, अब तुम्हें छपारा जाना सो जाओ, लखनऊ जाना सो जाओ, सिवनी जाना सो जाओ, और जाओ वहीं रहना है सो रहो, मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा। इसलिए गाथा नंबर 57 में कह रहे हैं असुहादो निर्याऊ सुभावादो दू सु सग सुमाओ
दूसु भावम जान दू जमते रुच्छेद तम कुज्जा, जमते रुच्छेद तम कुज्जा। पारस भैया देखो भैया, ग्रंथ की गाथा चल रही क्रम से, कोई हम बीच बीच से नहीं कह रहे। कुंद कुंद स्वामी ऐसा लग रहे थे थक गए हों, कि बोले अब मानी नीरा टोलो तो क्या करें। सो कह रहे हैं जमते रुचे तम कुज्जा, अब तेरे को जैसा लगे सो तू कर। फिर आखिरी में क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होकर अपने में सा करते, तुम्हें जो लगे सो कर, हम तुमसे कहेंगे नहीं, जाओ तुम्हें जो लगे सो कर लो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। क्यों प्रियांश, सही कहा इन्हें, ऐसी कहा इन्हें, लेकिन तुम नहीं मानोगे। जिसको देखो, जिसको जहां जाना वहीं जाता है। अभी टकली करा लो सब पूरे बाल आएंगे, अभी टकली नहीं कराई बाद में टकला घूमना पड़ेगा। सो ऋषि तुम करवा लो बेटा, है नीलेन भैया बहुत वज्र के हैं, अथवा तुम्हारे शिवनी के बहुत ही वज्र के हैं, माने ही नहीं रहो। कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं, असुहादो निर्याऊ, अशुभ भावों से निरय यानी नरक गति की आयु मिलती है। ये शुभ अशुभ भाव आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, आपको पता है। क्यों और हम खड़े हो जाओ, पापा ने अगर किसी को गाली दी अच्छा किया कि खराब है, पक्का आपने किसी को मारा है पीटा है अच्छा किया कि खराब, ठीक। और कोई गिर गया आपने उसको उठाया है अच्छा किया कि खराब, बैठ जाओ। छोटे से बच्चे को पता है तो आपको ही पता है कि शुभ क्या है अशुभ क्या है। टोलू पता कि नहीं, शुभ क्या है अशुभ क्या है पता कि नहीं, प्रियांश पता है कि नहीं। अब सुनो, सुभावादो दुसग सुमाओ, और शुभ भावों से स्वर्ग के सुख मिलते हैं और स्वर्गों की आयु यानी देव बनते हैं। अशुभ भावों से कहां जाते हैं नरक, शुभ भावों से कहां जाते हैं सुख। ऐसे तुम सुख दुख को जानो, अब जमते रुचेद तम खुज्जा, अब जो लगे सो करो। शुभ भाव करना है तो करो, अशुभ भाव करना है तो करो, सम्यक में रहना है तो रहो, मिथ्यात्म में रहना है तो रहो। मां आपकी आत्मा दूसरे की आत्मा का कर्ता नहीं है, लेकिन बताने वाले के कर्ता, बताते तो हो, बताने के कर्ता तो हो सकते हो, बचाने के कर्ता नहीं हो सकते। बताने के कर्ता तो हो सकते हैं कि भाई देख के उतरना, वहां सीढ़ियों में नीचे पानी है, छह गिर चुके हैं, तुम सातवें नहीं होना, देखते जाना। अपन बताने के कर्ता हो सकते हैं, बचाने के नहीं हो सकते। सहज सागर जी, अगर बचाने के कर्ता बनोगे तो कर्तत्व भाव संकलिष्टता ही बताओ, बाकी जमते रुचेद तम कुज्जा। अब अगर हम कहते हैं अभी आज कि रात्रि भोजन का आजीवन त्याग करो, संभव, हमें नहीं मतलब आज त्याग करो आजीवन, संकलिष्टता पूर्वक त्याग नहीं कराया जाता। त्याग तो प्रसन्नता पूर्वक कर किया जाता है। पड़ा कहीं भगवान ऋषभ देव ने किसी को त्याग दिया, पड़ा कभी चारण रिद्धिधारी मुनराज के आहार हुए उन्होंने त्याग दिया, पड़ा कभी कहीं पद्म पुराण में कहीं पड़ा, नहीं नहीं, मुनिराज उपदेश देते हैं, उस उपदेश की प्रेरणा से जिसको जो त्याग करना है करो। अनुपयोगी चीजों का ही त्याग कर दो, जो आप सेवन नहीं करते हो उनका ही त्याग कर दो। चौक कितने लोग खाते हैं अभी, चौक खाते क्या, तो चौक खाने का त्याग कर दो। मां बीड़ी पीते आप लोग,
नशीले पदार्थ करते क्या? नहीं करते ना। त्याग है क्या? बुद्धिपूर्वक त्याग है क्या? जिनका नहीं है बुद्धिपूर्वक वो त्याग कर दो। मिलन भैया, बुरा ना लगे लेकिन कहना चाहता हूं, कल जिनके नियम आदि हों वो ही धोती बदल कर मिले। हम छोटे से बच्चे से भगवान उठवाने की ताकत रखते हैं, लेकिन नियम के साथ, एक दिन का नहीं, जीवन पर्यंत का व्यसन का त्याग हो तो ही धोती बदल के मिलना भैया। और जिसकी जरूरत होगी, तुम धोती पहन के भी आ गए प्रियांश, हमें तुम्हारी जरूरत समझ में नहीं आ रही, आप बाहर बैठ के माला पहन। वहां ये नहीं बोलना कि हमें भगा दिया, नहीं नहीं भी नहीं, जरूरी नहीं कि तुमको भी अंदर रखें, जरूरी नहीं कि अप्रमित सागर को रखें, और जरूरी नहीं कि हम भी रहें। जहां जिसकी उपयोगिता होगी उसको वहीं लगाया जाएगा, सही है। अब वहां पर अशुभ भाव नहीं करना, नरक आयु का बंद हो जाएगा। शुभ भाव रखना, चलो हमको तो माला फेरने के लिए कहा है, हम निर्जरा भी करेंगे, भावना भी भरेंगे। धर्मात् सुखम पापात् दुखम, बोलना जरा, धर्मात् सुखम पापात् दुखम, बोलो अच्छे से। धर्म से सुख होता है, पाप से दुख होता है, इतना समझ में आ जाएगा मां। ये सूत्र हमारा नहीं है, ये आत्मानुशासन ग्रंथ के श्लोक का पद है। धर्म करने से सुख मिलेगा, पाप करने से दुख मिलेगा। बस मां, शुभ आयु का बंध चाहिए है तो शुभ भाव चाहिए। सभी पुराण आर्ष वेद बात मिली है दो, अप्रमेय सागर है। सभी जितने पुराण है, चाहे पद्म पुराण हो, आदि पुराण हो, हरिवंश पुराण हो, सभी पुराण और आर्ष वेद, प्रतमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, चार वेद, आर्ष वेद बात मिली है दो, धर्म करत सुख होत है, पाप करत दुख होत। धर्म से ही सुख मिलेगा मां, पाप से सुख नहीं मिलेगा। अब ये अशुभ भाव क्या क्या है, तो गाथा नंबर 58-59 में कह रहे हैं, ये अशुभ भाव क्या क्या है। हिंसादिशु कोहादिशु, जो हिंसा आदि में परिणाम है वो अशुभ परिणाम है। घर में डाल लो आप चीटी मार पाउडर, चूहे पकड़ने के पिंजरे, कर लो पाप मां। एक इंद्री में भी, जल में भी एक इंद्री जीव है कि नहीं, उसको भी कष्ट होता कि नहीं, कर लो पाप। जो हिंसा आदि की आपकी परिणति है वो अशुभ आयु है। दूध में मक्खी गिर जाए तो क्या करते हो है? दूध में मक्खी गिर जाए तो क्या करते हो है? उत्ता दूध अलग कर देते हो है? और घी में गिर जाए तो? ये बहुत ज्ञानी लोग हैं, परिस्थिति के अनुरूप काम करते हैं। दूध में मक्खी गिर जाए तो दूध अलग करते हैं, और कहीं घी में गिर गई तो मक्खी अलग करते हैं, घी अलग नहीं करते। पंडित जी बहुत ज्ञानी लोग हैं, पंचम काल के बड़े विचित्र ज्ञानी लोग हैं। यहां कह रहे हैं अशुभ आयु से नरक गति मिलती है, अशुभ भावों से नरक आयु मिलती है, शुभ भावों से स्वर्ग के सुखों की आयु मिलती है। अब तुम्हें जो लगे सो करो। पंडित जी बताना बताना, नहीं तो बाहर हो जाना। बिल्कुल
गुरु की शिक्षा आपको हम बता रहे हैं, बताने के कर्ता बनना, बचाने के कर्ता नहीं बनना, तुम्हारी दुर्गति होगी, संकलिष्टता हो जाएगी। पंडित जी कहीं कार्यक्रम में जाओ, बुला तो लिया लेकिन सुन नहीं रहे आपकी, ऐसे लोग मिलते कि नहीं, उनसे कहना भैया सरसों ले आओ, सो तुम 3 दिन तक बैठे रहो सरसों नहीं आएगी, ऐसे भी लोग मिले कि नहीं, और ऐसे भी लोग मिले कि आपने बोला नहीं कि लो, लेकिन पंडित जी जहां जैसे हो अपने परिणामों की रक्षा करना, अपने परिणामों की रक्षा करना। हम प्रतिष्ठा आदि भी करा रहे हैं, हम देशना आदि भी दे रहे हैं, इनके कल्याण के लिए नहीं दे रहे, अपने कल्याण के लिए दे रहे हैं, इन्हें करना हो सो कर ले। मां हिंसा आदि में आपके भाव जा रहे हैं, अशुभ आयु का बंद होगा। डाल लो आप चीटी मार पाउडर हिट, लगा लो ऑल आउट पिंजरे, लगा लो घर में पिंजरे। देखा नहीं बेचारे चूहे को, पंडित जी चूहा आया था लेके आए थे लोग, वो पिंजरे में दब गया होगा, उसके पीछे की पूरी हड्डियां टूट गई थी, मल द्वार से पीछे के इल्लियां टपक रही थी। देखा था भैया? नहीं देखा? इल्लियां टपक रही थी पंडित जी, उसको वेदना थी लेकिन नमोकार सुनते उसको शांति मिलती थी। खूब उपचार किया, खूब प्रयास किया पंडित जी, वो इल्लियां अंदर से खा खा के सामान बाहर फेंक रही थी, फिर भी वो शांत था। लेकिन देखो जिसने उसको पीड़ित किया होगा उस जीव को क्या फल मिलेगा, पंडित जी विचार करना क्या फल मिलेगा। एक बच्चा कल आया था, अर्पण आया क्या, बोल रहा था महाराज जी हम गौशाला से आए हैं, एक गाय की स्थिति ऐसी है कि उसके पूरे शरीर में इल्लियां पड़ गई हैं, अंदर से असंख्यात अनंत इल्ली हो गई हैं, अब उसकी जो इल्लियां पड़ गई उसकी वो आंखें खा रही हैं, गाय जीवित है तड़प रही है। सोचो तो एक मिनट के लिए नायक जी इतनी सी अगरबत्ती जल जाओ, तेजाब गिर जाए तो कैसे फड़फड़ाते हो, उस जीव से पूछो जिसका शरीर इल्लियां खा रही हैं। अपने शरीर को चीटी काटना जरा एक बार, नाखून से जम के काटो जरा सब लोग, रिंकू भाई करो जरा जम के, निशान आना चाहिए जम के, दर्द हो रहा क्या, लगा के देखो ना हो रहा कि नहीं, तुमको पीड़ा हो रही है दूसरे को होगी कि नहीं। पीड़ा देने के पहले मां सोचना कि पीड़ा मिलेगी तो क्या होगा। हिंसा आदि के परिणाम है अशुभ आयु। आप में तो गाड़ी चालू करी 200 की स्पीड 150 की स्पीड और दे धमाधम, देखो तो नीचे कौन कौन आ रहा है। आपका बेटा बच्चा या संबंधी कोई गिर जाए और मोच आ जाए, नस चढ़ जाए, उतारो सो मुंह बनाता है रोता है, आपको दर्द होता कि नहीं, उनसे पूछो जिनके ऊपर तुमने गाड़ी चला दी है। हिंसा आदि के परिणाम अशुभ आयु को हा दिशु। पंडित जी अपने मन से कुछ नहीं, गाथा नंबर 58 चल रही है रैन सार, को हा दिशु क्रोध आदि के जो परिणाम है भाव है अशुभ आयु में लेके जाएंगे, नरक में लेके जाएंगे। ऋषभ पंडित जी थे ना, चले गए, अच्छे व्यक्ति थे, कुछ भी हो पंडित जी देख ले ना ओम शांति, उनने कुछ कहा नहीं माने, बोले ओम शांति जा तुम्हें जो लगे सो करो, जम रुच्चे तम कुछ जा, ओम शांति ओम शांति। पंडित जी किसी ने, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है, गुणग्राही बनो, छिद्रान्वेषी मत बनो। छिद्रान्वेषी समझते हो, छिद्र अन्वेषी, छिद्रों को देखने वाला। पहली बार कोई गया राजस्थान और मारवाड़ी के यहां भोजन, पंडित जी बुंदेलखंडी 1 महीने रह ले मारवाड़ में तो फिर यहां नहीं रह पाएगा, लौकी लचका तो देख ही नहीं पाएगा,
कोई बात नहीं, लौ की लचक तो वो देख ही नहीं पाएगा। क्या करोगे पंडित जी? उसको मालपुआ मिला, क्या मिला? मालपुआ दिया तो पड़ोसी से कहता है, बता यार कैसे लोग हैं, मिठाई दे तो भी छेद वाली। फिर उसको दिया घेवर, बोले बताओ कैसे कंजूसे, छेद छेद करके दिया, निकाल निकाल के दिया। फिर उसको दिया मैसूर भाग, बोले बताओ कैसे लोग हैं, गड्ढे गड्ढे वाली चीजें खिला रहे। ये छिद्रान वैसी हैं पंडित जी, उसको मीठा नहीं दिखेगा, उसको ये नहीं दिख रहा कि उसी छेद के कारण ये मीठा हुआ है। छिद्रान वैसी क्यों? ये क्रोध आदि, क्रोध मान माया लोभ हास्य आदि नौकसाए। ये भैया अशुभ गति के साधन है। पाप कर्म का उदय आता है ना अप्रमेय सागर जी, तब व्यक्ति रोता है, पाप करते समय मुस्कुराता है। कभी आप लोगों में से किसी ने किसी को अकारण मारा, चांटे आदि मारे अकारण, विचार करो मारे कि नहीं? अरे विचार तो करो, मिलन भी है, बहुत बड़ी जिंदगी है। सहज सागर जी है, सत्य है ना? जब वो उदय में आएगा तो झेलना पड़ेगा कि नहीं? फारस भैया क्यों मुस्कुरा रहे? कह रहे मारना है। नहीं भैया ऐसे भाव नहीं रखना। कोई आपका बुरा करे वो उसका कर्म, आप उसका बुरा नहीं करना, ये आपका धर्म। वो आपका धर्म भैया, क्या आप मारने के भाव रख के भी मार नहीं पाए, वो कहीं वो चला गया तो बंद रह जाएगा। एक सज्जन ने कहा, बोले देख लेंगे, शाम को मिलो देख लेंगे। सो आचार्य जी को बताया हमने, 2008 की बात है, कि आचार्य जी वो ऐसा ऐसा कह रहे थे कि देख लेंगे। सो बोले उनसे बोलना जल्दी देख लो, शाम तक हम रहे कि नहीं और शाम तक तुम रहे कि नहीं। नहीं नहीं, शांतता ठेवा। शिवनी में हम एक किताब लिख रहे हैं, उसका नाम है शांतता ठेवा, शांति से बैठो। क्रोध के लिए क्या कह रहे हैं भैया? माचिस की तीली मत बनना आनंद भैया, माचिस की तीली मत बनना। माचिस की तीली में सिर तो होता है, दिमाग नहीं होता। सर तो है, दिमाग नहीं है, इसे जल्दी गर्म हो जाती है। आपके पास सर भी है, दिमाग भी है, जल्दी गर्म मत होना। अशुभ भाव है, दुर्गति का साधन है। मिथ्या नाणेषु और मिथ्या ज्ञान में चित्त जा रहा है। जिन वाणी देव शास्त्र गुरु के कथन के द्वारा विपरीत कथन में चित्त जा रहा है, अरे वो तो महाराज लोग तो बोलते ही रहते हैं कि रात को मत खाओ, अवक्ष मत खाओ, कहने की बातें हैं, तुम तो लाओ, तुम तो लाओ लगाओ। बोले आज तो प्रवचन सुन के आए हो, टोलू की मां कह रही बेटा आज तो सुन के आए हो, आज तो रात को मत खाओ। बोले सभी महाराज जी कहते हैं, पूरी महाराज जी की मान लोगे भगवान नहीं बन जाएंगे हम, थाई लगाओ। ठीक है, बोले प्रवचन तक प्रवचन, उसके बाहर जो अपन थे वैसे ही रहना, अपन को बदलना नहीं। क्यों? अपन वज्र के हैं। बोले एक जवान के हैं, बोले जो बोल दिया सो पक्का है। सो जी आज तक 15 ही साल के हैं। बोले एक बार हमने कहा था 15, सो हम जिंदगी भर 15 के। तुम अपने हट में हो, दुराग्रह में हो, कृष्ण लेशिया। क्या करें पंडित जी? पहले धर्म का अर्जन होता था, उसके साथ धन आता था, अब धन के अर्जन में लग रहे हैं, धर्म नहीं आ रहा। लोगों के पास पैसा बढ़ा है, घटा नहीं है पंडित जी। लोगों के पास पैसा बढ़ा है लेकिन प्रीति घट गई है। पहले के अच्छे थे, चिट्ठियां आती थी, दिन में 6 बार पढ़ते थे क्या लिखा है। अब उन 4 बटन दबाई, 6 के परिणाम खराब, 2 के अच्छे।
कर लो कर लो, जी भर के कर लो तुम। मिथ्या नानेसु, मोदी जी गए आचार्य भगवान के पास दर्शन करने, अरे कोई तो सिंह है तुम्हारे जिन शासन में जिसके सामने सारे सिंह झुकते हैं। अजित पंडित जी, उसमें भी लोग क्या कह रहे हैं बताओ, नंगे घूमते हैं उनके सामने क्यों झुक रहे हो? कहने वालों पे मत जाना, बड़े बनना हो तो सह के ही रहना, बड़े बनना हो तो मेलन भी है। जिस दिन आप आंगन का काम लगाओ, भैया फिर से कह रहे हैं, काम बढ़ जाए चल जाएगा, ठोक ठोक के करना। बताओ आप अपने मंदिर में इतने फर्श हैं, कहीं का फर्श आज तक बैठा नहीं बैठा? यहां पर पीछे जहां संत साधुओं के रुकने की व्यवस्था बन रही है अभी एक और, वहां देखा आपने पहले 15 दिन तक तो ठुकाई चली, फिर लेंटर डला। क्यों? बेस अच्छा नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं है। तो मिथ्या ज्ञान में हो, सम्यक ज्ञान में नहीं हो, कभी भी तुम्हारा फर्श, कभी भी तुम्हारा पर्स बैठ जाएगा, कभी भी बैठ जाएगा। आगे कह रहे हैं पक्वायसु, पक्षपात में अगर चित्त जा रहा है, नायक जी हमारे भक्त हैं सो उनसे कहेंगे, और प्रभात जी अपने भक्त नहीं उनसे कुछ नहीं कहेंगे। पक्षपात, पारस भैया पक्षपात होना और पक्षपात लगना दोनों में अंतर है। किसी के 2 बच्चे हैं पंडित जी, कितने हैं? 2 हैं। चलो फंस गए पंडित जी, पंडित जी 2 हैं ना, एक के प्रति प्रीति थोड़ी सी अधिक हो सकता है कि उसकी माँ की एक के प्रति और आपकी एक के प्रति, होता कि नहीं? अब वो ये कह रहा है कि पिताजी पक्षपात करते हैं। अरे बेटा तू छोटा है, तू बड़ा है तो छोटे को देखेंगे ना, जब तू छोटा था तो तुझे ही देखते थे, ये क्या पक्षपात है? नायक जी अब आप सोचो कि जैसे दीक्षा के समय हमारे सिर पर हाथ फेरते थे, वैसे 24 घंटे फेरे आचार्य भगवान, सो नहीं हो पाएगा। उनकी और भी संतानें हैं, और भी शिष्य हैं, सबको वात्सल्य देना है। ये पक्षपात नहीं है, ये काल का क्रम है। फिर भी पंडित जी अगर पक्षपात में किसी का चित्त जाता है, अशुभ आयु का बंद होगा। इसलिए टोलू न 13 न 20 न तारण न चितांबर, जैन धर्म है, बचा लो इसे। ये नफरत बुरी है, बोलो ये नफरत बुरी है ना, पालो इसे। दिल में जो क्लेश है निकालो इसे, न तारण न श्वेतांबर न 13 न 20, ये जैन धर्म है भैया, बचा लो इसे। पंडित जी हम तो जहां भी गए वहां सब मिले हैं, सब यानी सब। बेंगलोर के चातुर्मास में वहां जितने दिगंबर आमना के पंत होते हैं सब एक ही मंदिर में है, सब यानी सब। हमारे प्रवचन के बाद शास्त्र सभा भी लगती थी, अध्यक्ष ने वहां के कहा महाराज जी हमारे यहां 150-200 घर की समाज है, हम किसी को कोई मना नहीं करते, मर्यादा में सब काम करो, जिसका जो समझ दी अपना काम करो और जाओ, लेकिन मंदिर तुम्हारा नहीं, मंदिर दिगंबर जैन मंदिर है। कहीं किसी बेदी पे लिखवा मत देना मंदिर में कि 13 पंथी मंदिर की 20 पंथी मंदिर, नहीं भैया, नहीं नहीं कोई पक्षपात नहीं, दिगंबर जैन मंदिर है। पक्षपात करोगे अशुभ आयु मिच्छारिदेशु, अप्रमेय सागर जी जो मात्सर्य के परिणाम है, ईर्ष्या के, मद के परिणाम है, मदेशु दुर्हिनिवेशेशु दुर्अभिनिवेश अभिप्राय। पंडित जी कहीं भी जाते हो आप समाज सम्मान करती कि नहीं? आपको पता है कि ये मेरा आहित ऐसी है, फिर भी उसका अच्छा करते कि नहीं? क्यों? हम दुर अभिप्राय रख करके, अभिनिवेश भाव रख करके, नहीं नहीं
हमें दुर्गति में नहीं जाना भैया। एक बहुत पुरानी घटना है, एक पेपर वाला एक कंपनी वाले के पीछे पड़ गया। हर दिन उसका एक आर्टिकल आता था कि ये व्यक्ति दिवालिया है, ये व्यक्ति ऐसा है। उस व्यक्ति ने क्या किया, उसी पेपर में उसी पेज में एड देना चालू कर दी। बुराई कितनी, 10 लाइन की, और अच्छाई 20 लाइन की। उसने अपनी एड देना चालू कर दी और आने वाले 10 साल के लिए बुक, तुम करो बुराई लेकिन हम करेंगे उपकार। बिनी छतरपुर की याद है, तुम करो बुराई हम करेंगे उपकार। और पंडित जी इतना उपकार कर दो, इतना उपकार कर दो कि वो किसी की सामने तुम्हारी निंदा करे तो वो भी बोल पड़े, भैया तेरे को तो जय जयकार कराते हैं, तेरे ऊपर उपकार कर रहे हैं, तू उनकी बुराई कर रहे। दुर्अभिनिवेश, पंडित जी समझ रहे, ये सम्यक दृष्टि की नीति है। क्योंकि व्यक्ति खराब नहीं है, परिणाम खराब है। व्यक्ति तो भगवान आत्मा है। सिद्धार्थ, तुम्हारी दुकान में कुछ लोग काम करते कि नहीं करते? ना भाई, माना कि किसी ने 4 पेज उठा करके जेब में रख लिया और जाकर कुछ कर लिया, या एक पेपर का बंडल भी ले गया चोरी करके। ठंडे में विचार करना, व्यक्ति खराब नहीं है, व्यक्ति की कसाई खराब है, भाव खराब है। व्यक्ति को मत बदलो, उसके परिणाम बदलो। आगे कह रहे हैं, अशुभ लेशेषु अशुभ लेश्याओं से वीकादिषु, बैठ गए 4 लोग स्त्री कथा में लग गए, राज कथा में लग गए, चोर कथा में लग गए। अशुभ आयु रुद्रदत्त जानेसु आर्द्रो ध्यान में अशुभ योगेशु, पंडित जी अशुभ योगों से, असंयम के योगों से, सल्लेसु 3 प्रकार की सल्ले से, गारवेशु गारव करने से, दर्प करने से। पंडित जी आपकी सभा में कितने लोग बैठते हैं? हमारी सभा में 1-1 लाख बैठते हैं। हाँ महाराज कह लो, सभा में लोग होने से कुछ नहीं होगा, अंदर शुभ परिणाम होने सब कुछ होगा। पारस भैया, भीड़ कोई प्रमाणिकता का चिन्ह नहीं है, भीड़ कोई प्रमाणिकता का चिन्ह नहीं है। बेंगलोर में ही भैया 10-15-25 ही बैठते थे प्रवचन में, क्यों सहज सागर जी, उसमें से भी एक मुनि बन रहे कि नहीं? ये अविरल भैया उन्हीं में से हैं। बिनी लॉकडाउन में कितने थे अपन बोलो? लॉकडाउन में हमारे साथ कमरे के अंदर कितने थे हैं? बिनी बाबा और बाद में आया सुमी, ये 3-4 थे पंडित जी। सो 3-4 रहते तो अच्छा फोकस रहता है, तो अपन 1 निकाल लाए उसमें से। अरे जितना कम है उतना अच्छा है। क्लास में 200 बच्चे हो तो अच्छी पढ़ाई होती कि 2 में? तो हम तो पंडित जी सब में खुश रहते हैं। दूध अगर फट गया है सो पनीर बना लो, और उबल रहा है तो खुरचन। इसमें क्या है, शक्कर और डाल दो। आग अगर तेज है पंडित जी, उस अग्नि से भी ऊर्जा बनती कि नहीं? आपके हाथ में ना जी, डरने से क्या होता है, शेर सामने आ भी गया और खाने ही वाला है सो क्या करना, नमोकार पढ़ो, चलो भैया 40 साल के झंझट से बचे, अपन अब समाधि करेंगे। फिर तुम कुछ नहीं करोगे, अब जो करेगा वो। परिस्थितियों के अनुरूप होना सीखना पड़ेगा। बैल अगर दौड़ के आपकी तरफ आ रहा है तो क्या करोगे, खड़े रहोगे किसकोगे? छपारा की याद है, क्या करोगे भैया, अपन तो खिसक के खड़े हो जाओ। हाँ अब कोई जगह ही नहीं बची है, अब समाधि लो। पंडित जी हीरापुर के जंगल में एक शेरनी दिखी थी, और वो शेरनी इसलिए थी विशु क्योंकि शेरनी के पास बच्चे रहते हैं, शेर के पास, ऐसी बताया था ना आपने पंडित जी। लगभग 200-250 मीटर वो दूर थी, दो शेर उसके बच्चे थे, दोनों खेल रहे थे आजू बाजू उसके। लेकिन उसने हमको कुछ नहीं किया, हम जंगल करने गए थे, क्यों नहीं किया, उसने देखा भी नहीं, और देखा हो तो पता नहीं क्यों, क्योंकि उसके पास शिकार था।
वो एक गाय को पकड़ के, ये सिवनी आने के पहले की बता रहे हैं, कहाँ थे? हाँ वही गुंडा के पहले, वही गुंडा वंडा, सुनो हाँ वही कई बात है, उसमें जो है सो उसमें गड़बड़ क्या है पंडित जी? जहां जैन ना रहते हो, जैन मंदिर हो और जैन ना रहते हो, उस गांव का क्या नाम लेना? जो है सो उसमें क्या है? मिलन भैया, भैया एक नियम ले लो, रिदान ना रिदान, उसकी शादी बंडा नहीं करना तुम, ठीक है? इतना नियम ले सकते क्या? पक्का है रहेंगे मतलब? नहीं भैया देखो, जहां दिगंबर मुनियों की सेवा होती है वहां अपना संबंध रखना। पंडित जी अपन को किसी घर में रहना नहीं, स्वपन को डर लगता नहीं। तुम कल के टुन्नू होते हो, आज हो जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। सत्य को लेकिन सुनना पड़ेगा। पारस भैया आप आए, पत्र आया, जो निर्देश आया उसका अक्षर सा पालन हो रहा कि नहीं? तुरंत है कि नहीं? हम कह रहे हैं आपसे गुरु बुद्धि विशेष था और हम ही ना माने, फिर किस बात की तुम हमारी मानोगे? समझ रहे नायक जी? देखो अपन तो पक्के वाले हैं, क्योंकि अपन दूध फट जाए तो भी ध्यान रखते हैं। घबराओ नहीं, अब महंगा बिकेगा, अब सस्ता नहीं बिकेगा। पंडित जी दूध महंगा है कि पनीर? पनीर महंगा है, फटने के बाद भी अच्छी व्यवस्था है। बुद्धि है तो एक बार विषय आगे तो बता रहे हैं, ये महिलाओं के कार्यक्रम होते हैं, हम थे 6-7 साल के, तो दोपहर में मंदिर के हॉल में, भगवान जाने मंदिर के हॉल बने किस लिए, तो उनने क्या किया, व्यंजन प्रतियोगिता रखी। कौन सी व्यंजन प्रतियोगिता? सबको एक एक गैस चूल्हा लाओ, काम चालू करो, जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगा। सबसे ज्यादा फायदा किसका होता बताएं? जज का, उसको सबसे ज्यादा खाने मिलता है। सबसे ज्यादा फायदा किसका? तो जो हमारे साथ गए थे उनने कहा बेटा देखना तुम, 3-4 नहीं मटर था, मटर उबल रहा था, बोले 4 सीटी के बाद बंद कर देना। तो हम बैठ गए, तो हम भूल गए 4 हुई कि 6, तो पारस भैया 8 हो गई, 6-7 की ऊपर सीटियां हो गई। अब बताओ माँ मटर का क्या हुआ होगा? नहीं, अब क्या होगा? वो गया पूरा मटर। सो अब वो जिनका था वो कह रहे क्यों क्या किया? हमने कहा हमें नहीं पता कितनी हुई, हम भूल गए, छोटे थे। बोले क्यों? हमने कहा बाजू में डोसे ही खुशबू आ रही थी, समोस में लग गए। अब माँ, लेकिन वो माँ समझदार थी, उसने कहा कुछ नहीं कोई बात नहीं। उसने क्या किया? बोले शक्कर ले आओ घर से। शक्कर ले आए, उसने मटर की बर्फी बना दी, नंबर लग गया उसका 1 नंबर। बोले तुमने अच्छी सीटी नहीं बजाई। नायक जी अपने साथ जितने अनिष्ट होते हैं उतने इष्ट होते हैं, क्योंकि पुण्य आत्मा कभी अनिष्ट नहीं होता। अगर राम की सीता नहीं हरी जाती तो राम का भी नाम आज पद्म पुराण में आता नहीं। लेकिन सीता का अपवाद हुआ था, इसकी शिक्षा अपन को भी लेना चाहिए। गुरु बुद्धि विशेषता। चलो भैया समय हो गया पंडित जी बहुत। अंत में कह रहे हैं जो वट्टे दी अशुभ भावों सो, जो ऐसे परिणाम रखता है वो अशुभ भावों में जीता है। अब बताओ अशुभ भाव में जीना है कि शुभ भावों में? पक्का मां आज से ही और शुभ भाव प्रारंभ कर दो, संभव भाई आज से ही और शुभ भाव प्रारंभ कर दो, क्योंकि सकल दिगंबर जैन समाज सिवनी की भावना अब जल्दी पूरी होगी। आपकी श्रद्धा पूरे भारत के लिए अनुकरणीय है। पंडित जी हमने कहा था 11,000 तो हो जाए, इन लोगों ने 11,00,000 जाप कर ली। और किसी किराए के व्यक्ति ने माला नहीं फेरी, सब भगवान के भक्तों ने श्रद्धा से माला फेरी।
कल भगवान अल्प समय के लिए अस्थाई रूप में जाएंगे, लेकिन राजा राजा जैसे ही रहेगा, बिल्कुल नहीं घबराना। और जिन लोग जो जो चाहते हैं कि बहुत शांतिपूर्ण से आनंद के साथ सब हो, मौन पूर्वक वहां बैठना, माला फेरना जो माला बताएंगे पंडित जी, और कोई भी व्यक्ति अपना मोबाइल लेके नहीं आएगा। प्रभात भैया, जो भी मोबाइल लेके आएगा उसका मोबाइल आपको छुड़ाने की पूरी अनुमति है, बाद में वापस कर देना। जो भी मंदिर में 7 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा, मोबाइल लेके नहीं आएगा, जिसके भी हाथ में दिखा उसका जब्त होगा, वो बाद में दे दिया जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति का नाम बाहर बोर्ड पर लिखवाना कि गुरु आज्ञा के विहीन है, लिखवा देना पंडित जी आज्ञा है हमारी। तीसरी बात, जो भी लोग श्री जी को स्थानांतरित करने के लिए इच्छुक हैं, अंतरंग की शक्ति सहित हैं, सप्त व्यसन के त्यागी हों, किसी भी नशीले पदार्थ को ना लेते हों, वो ही लोग धोती पहन के मिलना। और जरूरी नहीं है कि उनमें सबको अंदर लिया जाएगा, जिनकी जरूरत है उनको वेलकम, जिनकी नहीं है वो बाहर बैठ के माला पहनना, संभव सबको कह देना। आप सभी विशुद्धि के साथ, जितनी विशुद्धि से आपने माला फेरी है धन्य है। कहाँ है सुबोध भैया, है क्या, कहाँ बैठे सुनील भैया, छोटे भैया आपके भैया, पंडित जी उन अकेले ने 400 माला फेरी है, वो प्रक्षाल है बालक, उसने 120 माला फेरी है, छोटे छोटे बच्चों ने। माँ संभव तो कह रहा था कल गिनते गिनते बोले हमारा तो नाम ही नहीं आ रहा, हमारा पेज खिसक गया है। पंडित जी इतनी श्रद्धा इतनी भक्ति, कोई बात नहीं, भगवान पारसनाथ ने कहा है शांति से कभी नहीं होगा, वो हल्ले में गए मोक्ष तो उनके सब काम हल्ले में ही होंगे। और पंडित जी, बाकी पंडित जी बताएंगे आपको, श्री जी को स्थानांतरित करने का कारण सिर्फ एक है कि उनकी कमल नहीं है, श्री जी के नीचे कमल लगना है, केवल इसीलिए भगवान को अल्प समय के लिए रख रहे हैं। और आप बताओ, असोले में भगवान छू ले, कितने लोग चाहते हैं छू लो, नहीं छूए ना भैया। कारीगर काम करने आएगा, भले ही वो बाहर कैसे ही हो, अंदर शुद्ध हो, लेकिन है तो अशुद्ध, हम उससे अपने श्री जी की अभिनय नहीं करवा सकते। पंडित जी जिनको स्थानांतरित होना है उनसे आज्ञा लेना, भगवान मना कर देंगे सो नहीं ले जाएंगे, और भगवान हाँ बोल देंगे सो ले जाएंगे। बाकी पूरे रूपरेखा कार्यक्रम पंडित जी आपको बताएंगे, इस प्रकार से समझना। अब तो शुभ भावों का दिन है, अब तो क्या बोलते पंडित जी 370 हट गई है, अब कश्मीर बोलो ना। अरे बड़े बाबा का टोलू, तुम्हारी बात हुई कि नहीं, कल बंद हो गई। भैया मेरे सुन, अब तो बड़े बाबा भी प्रसन्न है, क्यों, उन्हें पता है कि राजा को अब राज सिंहासन मिलेगा। आप सभी कितने लोगों की इच्छा है, हम फिर से पूछ रहे हैं आज, भाई आर्यन एक बार रिकॉर्ड कर लेना भैया, हाँ पहले पारस भैया चालू करना भैया, हाथ नीचे नहीं करना, और जब तक हम बोल रहे तब तक ताली भी बजना चाहिए, जबरदस्ती नहीं है। कितने लोगों की इच्छा है कि बड़े बाबा को उच्च स्थान रजतमयी वेदी पर मिलना चाहिए, कितने लोगों की इच्छा है, सभी की, अरे अभी हाथ नीचे कैसे हो गए, सभी की इच्छा है, सभी की पक्का, सब लोगों की विशुद्धि के साथ है कि जल्दी से जल्दी भगवान रजत की वेदी पर आएंगे, आप सबकी भावना बहुत जल्दी पूरी होगी। लेकिन सुनो, आपकी विशुद्धि होगी तो चलो, एक बार ये भी पूछ ले रहे, कितने लोगों की इच्छा नहीं है भैया वो और बता दो, नहीं बिल्कुल नहीं कह रहा, हम डांटेंगे नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, है कोई हो तो बता दो भैया, नहीं है मिलन भैया, टेंशन नहीं लो, गेहूं कितने बीनो, दो चार कंकड़ तो रहते ही है,
और सुनो, मां मूंगफली खाई सिकी हुई कि कच्ची वाली? सिकी वाली खाओ, थोड़ी कर कर हो पंडित जी, उसका मजा कुछ और है। तो थोड़ा सिकने दो, फिर मजा आएगा। आप सभी भगवान की भक्ति करना। पंडित जी देख रहे हैं, समाज की अनुमोदना देखी आपने, मां जबरदस्ती तो नहीं कर रहे ना पंडित जी? किसी बच्चे ने अपने कान के बाले दिए, कोई अपनी चैन दे रहा है जिसकी गुंजाइश नहीं है, वो भी घर से अपने चांदी लाके दे रहा है, इससे बड़ी क्या बात है। लेकिन एक बात कभी भूलना नहीं पारस भैया, ये प्रारंभ कहां से हुआ है? माता जी की है नहीं, और पहले चलो, अभी तो दृढ़मती माता जी की प्रेरणा थी, उसको भूलना नहीं। पंडित जी जब करगवा जी के भगवान के पीछे चांदी का काम हुआ था, तब वहां के मूल नायक भी स्थानांतरित हुए थे। छपारा के भगवान नीलेंद्र भैया स्थानांतरित हुए थे। कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर का काम हुआ, स्थानांतरित हुए थे। तो बिल्कुल नहीं घबराओ, सब होगा, सब होगा। पंडित जी देखो, भले ही आरिका है तो क्या हुआ, संयमी तो हैं, पूर्व के हैं, जितनी हमारी उम्र है लगभग उतने वर्ष तो उनको दीक्षा ली होगी, उनकी प्रेरणा है। बिल्कुल नहीं सोचना, सब कार्य अच्छे होंगे, फिर भी कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या कह जाते, कैसे कैसे लोग जगत के, भगवान पारसनाथ ने इतना सहा है तो उनके भक्त हो, थोड़ी बहुत तो सहना पड़ेगा भगवान महावीर स्वामी की। बाकी कार्यक्रम पंडित जी बता रहे हैं, आप लोग बैठे रहे। शाम को आरती होगी, कितने लोग विधान में बैठेंगे अभी शाम को? बड़े बाबा क्या विधान होना है, ठीक है, बैठने की व्यवस्था के संबंध में बता देता हूँ, उसके अंदर पंडित जी को